पतंगों से भरा आसमान और तिल गुड़ की मिठास के साथ एक बार फिर आज मकर संक्रांति की धूम इंदौर शहर में देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। हर वर्ष 14 तारीख को मनाए जाने वाले इस पर्व को इस बार 15 जनवरी यानी आज ही मनाया जा रहा है। लेकिन इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज़ जो पूरे त्यौहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है वह है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं बल्कि कई जगहों पर तो पतंग उत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है। पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर लोगों ने सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान किया, साथ ही परंपरा अनुसार पतंगबाजी का भी आनंद लिया। बड़े हो या बच्चे, सभी ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए लोगों ने कई दिनों से तैयारियां कर रखी थी। छात्रा विदुषी शर्मा का कहना है कि हम मकर संक्रांति का इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं और आज हम परिवार के साथ पतंग उड़ाने अपनी अपनी छतों पर जाएंगे। मकर संक्रांति फेस्टिवल हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। इसमें हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमने बहुत दिनों से तैयारी की है, काफ़ी पतंगे हम खरीद के लाए हैं, हमने गुचका वगैरह सब भरवा के रख लिया है, डीजे वगैरह सब हमने फिट हम रात में ही करके आ गए हैं। पूरी फैमिली के साथ हम जाएंगे ऊपर, पतंग उड़ाएंगे, होले खाएंगे और डीजे पे डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए लोग सुबह से ही छतों पर पहुंच गए हैं और अपने परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। लोगों ने छतों पर एक डीजे भी लगाए हैं। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। लोगों ने पतंगबाजी के अलावा मंदिरों में जाकर दान भी किया, साथ ही गायों को हरे चने एवं घास भी खिलाई।